एग्जाम पास करने के बाद कैसे तय होता है आईएएस आईपीएस की रैंक। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में शामिल सिविल सेवा परीक्षा में जाना हर एक अभ्यर्थी का सपना होता है। हर साल हजारों अभ्यर्थी इसकी परीक्षा देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 100 इसकी प्री परीक्षा में चयनित होते हैं और फिर मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करके बहुत ही कम लोग होते हैं जो आईएएस या आईपीएस बन पाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद किस फॉर्मूले के अनुसार यह तय होता है कि आपको कौन सी रैंक दी जाएगी। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और यह वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। यूपीएससी एग्जाम पास करके कितने सिविल सर्विसेज में लोग जाते हैं? तो इसका जवाब है 24। जी हाँ, यूपीएससी में कुल मिलाकर 24 सर्विसेज होती हैं जिनके लिए उम्मीदवार का चयन होता है। ये दो कैटेगरीज में बांटी जाती हैं। पहली है ऑल इंडिया सर्विसेज। इस सर्विसेज में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज भी आती हैं। इनमें जो लोग चयनित होते हैं उनको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कैडर दिया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर होती है सेंट्रल सर्विसेज, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज होती है। ग्रुप ए सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जैसे सर्विसेज आती हैं। वहीं ग्रुप डी में आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, पुडुचेरी सिविल सर्विसेज, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल और पुलिस सर्विसेज जैसी सर्विसेज आती है। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि ग्रेजुएशन के बाद आप अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा दे सकते हैं। इसमें 2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर के नंबर के आधार पर कट ऑफ बनती है। दूसरा पेपर यानी सी सेट क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें पास होने के लिए 33 मिनिमम अंक चाहिए होते हैं। फिर कट ऑफ के अनुसार चयनित उम्मीदवार में एग्जाम लिखते हैं। इसलिए मेंस के लिए आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद आती है मेंस की बारी, जिसे निकालना अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा टफ टास्क माना जाता है। इससे पहले 2 पेपर यानी लैंग्वेज के होते हैं, जो क्वालिफाइंग यानी इसमें आपको 33% नंबर लाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह नंबर मेरिट लिस्ट बनाने में काउंट नहीं होते। यह 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। साथ ही इसमें 2 भाषाएं जिसमें से एक इंडियन और रीजनल लैंग्वेज और दूसरा इंग्लिश होता है। अब इसके बाद एक निबंध का पेपर भी होता है। 3 घंटों में 2 निबंध लिखने होते हैं। इन दोनों निबंधों को लिखने के लिए अलग अलग टॉपिक मिलते हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद का टॉपिक चुन सकते हैं। इसके बाद जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। यह सभी 3-3 घंटे के होते हैं। इसमें एक दिन में 2 से ज्यादा पेपर नहीं हो सकते। आखिर में ऑप्शनल का पेपर होता है, जिसमें 2 एग्जाम्स होते हैं। पेपर मॉडल आपके द्वारा चुना गया विषय होता है। इन सब पेपर में क्वालिफाइंग को छोड़कर बाकी के मार्क्स से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेंस का रिजल्ट आने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होता है, जिसके आधार पर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। यह होता है DAF यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें दी गई जानकारियों के आधार पर ही आपके सामने इंटरव्यू पैनल सवाल रखता है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे हॉबीज, बैकग्राउंड और एजुकेशनल के बारे में पूछा जाता है। तो वही इंटरव्यू क्लियर होने के बाद वही नंबर जोड़कर रिजल्ट तैयार होता है। रैंकिंग की बात करें तो यह वैकेंसीज पर निर्भर करती है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस वर्ष कितनी वैकेंसीज निकली है। यह उन उम्मीदवारों पर भी निर्भर करता है कि वह किस कैटेगरी से हैं या उन्होंने अपनी क्या प्रेफरेंस डाली है। उसी आधार पर यह तय होता है कि बाकी अपने मेंस एग्जाम के फॉर्म भरते समय अपनी पहली प्रेफरेंस किसको दिया है उसका भी ध्यान रखा जाता है। जिसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वह अगर आईएएस या आईपीएस की प्रेफरेंस भरते हैं तो उन्हें यही अलॉट किया जाता है। उसके बाद ही मार्क्स के साथ साथ आगे की पोस्ट भी मिलती है। ध्यान रहे कि इसका मतलब यह नहीं है कि अगर 100 पोस्ट की वैकेंसी है तो उसमें आईएएस के लिए 30 पोजीशंस है तो टॉप 30 लोगों को आईएएस मिलेगा। यह भी हो सकता है कि उन टॉप 30 में से किसी को प्रेफरेंस कुछ और हो, जैसे आईपीएस या आईएफएस। तो ऐसे में मेरिट में थोड़ा पीछे रहे लोग अगर अपना प्रेफरेंस आईएएस रखते हैं तो उन्हें पोस्ट मिल सकती है। इस तरह थोड़े पीछे के रहने वाले लोग भी यह ऊपर के सर्विसेज पा सकते हैं। बता दें कि हर साल वैकेंसीज इसकी संख्या अलग अलग होती है। साल 2005 में 457 वैकेंसीज थी, तो वही साल 2014 में यह बढ़कर 1300 हो गई।
वही एग्जाम देने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। यूपीएससी हर साल वैकेंसीज के हिसाब से यह मेंस एग्जाम और इंटरव्यू देने वालों की संख्या तय करता है। जैसे 100 पोस्ट की वैकेंसीज है तो तकरीबन 12-13 गुना लोग मेन एग्जाम के लिए चुने जाते हैं, जिसके बाद करीब 250 लोग इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं। इनमें से फिर फाइनल रैंक लिस्ट के लिए लोग चुने जाएंगे। आज की पूरी जानकारी, पूरा फॉर्मेट जिसके अकॉर्डिंग हमें सिविल सेवा की परीक्षा में मार्क्स मिलते हैं और उसी फॉर्मेट के अनुसार हमारी रैंक या सर्विसेज मिलती हैं। तो जिस किसी को भी इस विषय में कोई परेशानी थी या प्रश्न था तो वह सब क्लियर जरूर हो गया होगा। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर स्कीम और मनीष रंजन की जरूर किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप इन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।